नमस्कार मैं रूपेश और स्वागत है आपका आप यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास देखेंगे मिशन चंद्रयान थ्री से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ट्वेंटी एम सी की देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखना पहली बार आए तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका रहेगा मिशन चंद्रयान थ्री कब लॉन्च किया गया है तो मिशन चन्द्रयंथी कब लॉन्च किया गया है तो आपका आंसर ए होगा चौदह जुलाई दो हजार तेईस को मिशन चन्द्रयंथी को लॉन्च किया गया है ठीक है चलिए अब देखेंगे यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट क्या है इसको जानना जरूरी है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि चंद्रयान थी भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 में चंद्रयान टू को अनुवर्ती है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था ठीक है सेकंड इम्पोर्टेंट है कि इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान थी को कहाँ लॉन्च किया गया है तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी है जिसमें आपका आगामी एग्ज़ाम हॉस्टल वार्डन ना और महिला परिवेक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में तो इसका आंसर बी होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरि कोटा तो इसका देखिए तीसरा क्वेश्चन है चंद्रय थ्री को कहाँ लैंड पर करना है यानी कि चंद्रय थ्री को कहाँ पर लैंड करना है तो इसका होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ठीक है एक बार आंसर सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रयान थ्री को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है तो ये आपका एल वी एम थ्री एम फोर होगा ये जो कि ऑप्शन सी होगा ठीक है इम्पोर्टेंट आप याद कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रयान थ्री एल वी एम थ्री एम फोर रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा इससे पहले जी एस एल वी मार्क थ्री के नाम से जाना जाता था जबकि एल वी एम थ्री लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री है एग्जाम में पूछा जाएगा कि एल वी एम को फुल फॉर्म क्या हो सकता है तो आप बताएंगे लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री पुराना नाम है इसका जियो साइक्रोनाउस सेटेलाइट है नहीं। एक बार फिर से जियो साइक्रोनाउस सेटेलाइट लॉन्च वहीकल मार्क थ्री वन या जी एस वी मार्क थ्री वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रयान थ्री के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम था तो यहाँ पर इसके रॉकेट इंजन का नाम पूछा गया है तो आप बताएंगे आंसर सी सी ई ट्वेंटी क्या बताएंगे सी ई ट्वेंटी क्रायोजेनिक इंजन तो सी ई का फुल फॉर्म हो जाएगा क्रायोजेनिक इंजन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान थ्री को किसने लॉन्च किया है तो आप सभी को मालूम होगा कि इसरो ने लॉन्च किया है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है फटाक से कमेंट करके बताइएगा ठीक है इसका आंसर सी होगा भारत में इंपोर्टेंट है इंडियन स्पेस रिसर्च तो इंडिया का का ये आपका का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गोनाइजेशन भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त उन्नीस मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक बार देख लीजिएगा जो अध्यक्ष है आपका 2023 में एस सोमनाथ जबकि पहले अध्यक्ष कौन थे विक्रम सारा भाई थे याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है कि 2023 में अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है 2023 में तो एस सोमनाथ एस एस मतलब होता है एस सोमनाथ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कमेंट ना कीजिएगा ना इसरो ने चंद्रयान थ्री मिशन के कौन से तीन मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं एग्जाम में आपका दे सकते हैं कि ये जो तीन मुख्य उद्देश्य है उसमें शामिल नहीं है ऐसे पूछ सकता है तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा आंसर ए चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन ऑप्शन बी चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन ऑप्शन सी वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना ये बिल्कुल तीनों सही है तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान थी मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य एक बार याद कर लीजिएगा कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है तो इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा पॉइंट है लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा एक लूनार दिन धरती के चौदह दिन के बराबर होता है याद रखना जो लूनार है ना आपका लैंडर चांद पर एक मतलब चौदह दिन के बराबर होता है तो देखिएगा जो कि लैंडर है चांद पर लूनार दिन तक चांद रहेगा और एक लूनार धरती के चौदह दिन के बराबर होता है पॉइंट है चंद्रयान थ्री के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है चांद पर सूरज चौदह से पंद्रह दिन सूरज निकलता है और बाकी चौदह पंद्रह दिन सूरज नहीं निकलता यानी कि कहने का मतलब है कि चौदह से पंद्रह दिन तक आपका रात रहेगा या फिर चौदह से पंद्रह दिन तक आपका दिन रहेगा ठीक है नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान थ्री भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा तो आप सभी को मालूम होगा कि ये तीसरा मिशन है पहला मिशन कौन सा चंद्रयान फर्स्ट सेकंड है चंद्रयान टू उसको कब लॉन्च किया गया था हम आपको बताएंगे। ठीक है तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि अभी अभी तीसरा चंद्रयान मिशन स्टार्ट हुआ है उसी प्रकार पूछ सकता है कि पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था तो आप बताएंगे बाईस अक्टूबर दो को लॉन्च किया गया था जबकि दूसरा है चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है और सिर्फ तीसरा चंद्रमा मिशन यानी कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है तो अभी ट्रेंडिंग में है ठीक है नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान थी की थीम क्या है तो मिशन चंद्रयान का थीम है आपका याद रखना साइंस ऑफ द मून एग्जाम में पूछ सकता है कि मिशन चंद्रयान की थीम क्या है नेक्स्ट है चंद्रयान थ्री इनमें से क्या नहीं है तो देखिए आंसर सी होगा ऑर्बिटर नहीं है जबकि चंद्रयान टू में पूछा चंद्रयान टू में आपका ऑर्बिटर रोवर और, और लैंडर था ठीक है तो इनमें क्या शामिल नहीं है पूछा गया है, तो आप बताएंगे आंसर सी ऑर्बिटल शामिल नहीं है जबकि अगर चंद्रयान टू में पूछा जाएगा तो ऑर्बिटल था ठीक है तो एक बार इसको देख लीजिएगा समझ लीजिएगा पॉइंट है आपका तो चंद्रयान टू में लैंडर रोवर और आर्बिटर था ठीक है चंद्रयान टू में कौन कौन था लैंडर रोवर और आर्बिटर था जबकि चंद्रयान थ्री में आर्बिटर नहीं बनाया गया है चंद्रयान टू का आर्बिटर पहले आर्बिटर में मौजूद है जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा चंद्रयान थ्री में आर्बिटर के बजाय स्वदेशी पॉपुलेशन मॉड्यूल है ठीक है नेक्स्ट है चंद्रयान थ्री में इस कितने मॉड्यूल है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चंद्रयान थ्री में कितने मॉड्यूल है आप बताएंगे तीन मॉड्यूल है ठीक है तो एक बार पॉइंट कर लीजिएगा चंद्रयान थ्री के मॉड्यूल के बारे में तो पै प्रोपल्सन मॉड्यूसन लैंड मॉड्यूसन और रोवर ठीक है तो प्रोपल्सन मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है ये स्पेसशिप का उड़ान भरने का ताकत देता है ठीक है तो नोट करते जाइएगा है ना तो ये आपका यहाँ पर नोट कर लीजिएगा प्रोपल्सन मॉड्यूलर उसी प्रकार का लैंडर मॉड्यूलर है चंद्रयान थ्री का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है इसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा रोवर को चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से पहुंचने की जिम्मेदारी इसी की होती है ठीक है चाहे आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर स्क्रीन ले सकते हैं हैं इसके बाद रोवर चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है जो रोवर लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा यह क्लास जो चल रही है साढ़े आठ बजे की क्लास है ठीक है और दोपहर तीन बजे की क्लास आपका रहेगा भारत का सामान्य अध्ययन अफेयर की क्लास कुछ दिनों में लाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान थ्री के लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम ठीक है याद रखना यह या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछ सकता है कि मिशन चंद्रयान थ्री वाला है ना मिशन चंद्रयान थ्री के लैंडर का क्या नाम रखा गया है आप बताएंगे विक्रम रखा गया है आंसर ए जबकि एग्जाम में पूछ सकता है कि मिशन चंद्रयान थी के रोवर का नाम क्या है यहाँ पर दस हज़ार मेरे खाते में आ चुका है बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है तो मिशन चंद्रयान थी के रोवर का नाम है आपका प्रज्ञान ठीक है मेंबरशिप की क्लास में मुझे दस हजार अभी मिल चुका है अगर आप लोग और ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं मिशन चंद्रयान थी के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान थ्री के लैंडर में कितने थर्ड सक्षम थे तो इसमें चार आएगा है ना कितने थे चार लास्ट क्वेश्चन देखेंगे चंद्रयान थ्री की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा तो ये आपका तीसरा देश बन जाएगा ठीक है शायद एक मिनट पहला हो सकता है मुझे कंफ्यूजन है अगर आपको मालूम है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा ठीक है क्या आएगा ठीक है मुझे भी कन्फ्यूज हो रहा है एक बार फिर से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा ठीक है दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश है आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है आंसर ए बी सी या डी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तब तक हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर देंगे ठीक है वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा अन्यथा वीडियो को लाइक करके रख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ